हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं बिहारी सर YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं और आज फिर एक नए एपिसोड के साथ हम लोग उपस्थित हुए हैं, है ना। शानदार एपिसोड है। आज हम लोग जानेंगे दादा भाई नौरोजी और कांग्रेस के सेकंड अधिवेशन में क्या क्या हुआ, है ना। इससे पहले जरा सी बच्चे लोग नाराज हो जाएंगे कि सर हम लोग का नाम नहीं लेते हैं, है ना। तो नाम ले लेते हैं। एक है हमारे YouTube चैनल के सब्सक्राइबर हैं सुधीर जी, है ना, सुधीर कुमार। उन्होंने प्रश्नों का जवाब दिया है। और एक दीपू जी इज बैक, उन्होंने जवाब दिया है। और एक कुंदन कुमार, हमारे छोटे भाई ही हैं, ठीक है, उन्होंने जवाब दिया है। और एक पापा माँ, ठीक है, पापा माँ जो माता पिता के लाडले हैं, है ना, उन्होंने कमेंट किया है, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे दादा भाई नौरोजी के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? दादा भाई नौरोजी के बारे में और कांग्रेस के सेकंड अधिवेशन में क्या क्या हुआ, है ना। तो समझिएगा अच्छे से कि दादा भाई नौरोजी को ऐसे ही ग्रैंड मैन, ओल्ड मैन ऑफ इंडिया नहीं कहा जाता है, वयोवृद्ध पुरुष नहीं कहा जाता है, उसके पीछे कारण है। किसी भी व्यक्ति को कुछ कहा जाता है तो कुछ ना कुछ उसके पीछे वजह होती है, है ना। तो दादा भाई नौरोजी को भी ग्रैंड ओल्ड मैन कहने के पीछे कुछ ना कुछ वजह था। उस वजह को आज हम लोग जानेंगे कि क्यों कहा जाता है उनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, है ना, वयोवृद्ध पुरुष ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के वयोवृद्ध व्यक्ति दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी का जन्म जो है 4 सितंबर 1825 को, 4 सितंबर 1825 को होती है और इनका मृत्यु जो है 20 अगस्त 1917 को होता है। 20 अगस्त 1917 को इनका मृत्यु हो जाता है। इनका जो शिक्षा होता है, ये समझिए कि एल्फिंस्टन कॉलेज था इंस्टीट्यूट, यहां से इनकी शिक्षा होती है। और उस समय भारत में गिने चुने ही इंस्टीट्यूट थे, ठीक है, उस समय इनकी शिक्षा हुआ था। और पारसी समाज से ये बिलोंग करते हैं। किस समाज से बिलोंग करते हैं? पारसी समाज से बिलोंग करते हैं, है ना। और ये सबसे पहले ऐसे भारतीय हैं जिन्होंने इतनी बड़ी मुकाम हासिल की थी। ये सबसे पहले एल्फिंस्टन कॉलेज में प्रोफेसर बनने वाले व्यक्ति हैं। ये गणित के प्रोफेसर थे। किसके प्रोफेसर थे? गणित के प्रोफेसर थे, गणित विषय के प्रोफेसर थे, मैथ के प्रोफेसर थे, ठीक है, दादा भाई नौरोजी। और ये भारतीयों के द्वारा उस समय तक शिक्षा के क्षेत्र में प्राप्त सबसे ऊंच स्थान था, ठीक है। ये प्रथम ऐसे व्यक्ति थे कि शिक्षा के क्षेत्र में इतने ऊंचाई तक पहुंचे थे, ठीक है। बाद में क्या हुआ कि एक कैमास बंधु थे। ये कैमास बंधु दान देने के लिए बहुत फेमस है और हम लोग कैमास बंधु के बारे में भी कभी चर्चा करेंगे डिटेल से। तो कैमास बंधु जो है दान देने के लिए बहुत फेमस है, है ना। तो इन्होंने दादा भाई नौरोजी को कहा कि भाई अब तुम प्रोफेसर में क्या शिक्षा, कितना दिन तक शिक्षा दोगे, अब जो है व्यापार में आ जाओ। कहाँ जाओ? व्यापार में आ जाओ। तो कैमास बंधुओं के कहने पर दादा भाई नौरोजी जो है व्यापार में शामिल हो गए और व्यापारी बन गए। क्या बन गए? व्यापारी बन गए, ठीक है। और पहुंच गए लिवरपूल, ठीक है, एक जगह है लिवरपूल, लिवरपूल में ही वो व्यापार करना शुरू कर दिए, ठीक है। और इनका समझिए कि प्रोफेसर से व्यापारी बनना, है ना, प्रोफेसर से व्यापारी बनना, अपने स्तर को एक तरह से कह सकते हैं कि बदल दिए। तो इन्होंने क्यों किया ऐसा, इसके पीछे कुछ ना कुछ उनकी सोच थी, मनसा सी। तो प्रोफेसर जब थे तो थोड़ी सी बंधे हुए थे, लेकिन बाद में क्या हुआ कि जब ये व्यापारी हो गए तो जो इंग्लैंड में लोग थे, विद्यार्थी थे, लोग जाते थे पढ़ने के लिए वहाँ पे, तो उन विद्यार्थियों की मदद करते थे, उनका गाइडेंस करते थे,
ठीक है, उनके रहने का व्यवस्था, खाने का व्यवस्था, ये तमाम चीजें करते थे दादा भाई नरोजी। और बाद में क्या हुआ कि इन्होंने ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुनाव लड़ा, ठीक है, और चुनाव जीत भी गए। तो ये प्रथम भारतीय हैं जो कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुनाव जीतने वाले प्रथम भारतीय हैं, ठीक है। और चुनाव जो है सो लड़ने वाले प्रथम भारतीय कौन हैं, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा, ठीक है, कि कौन ऐसा प्रथम भारतीय है जो कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ा था, है ना, ये आप लोगों को पढ़ाया गया है। तो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स, ये ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स क्या होता है समझिए, कॉमन का मतलब क्या होता है, आम, सामान्य लोग, तो सामान्य लोग की संस्था जो अपने यहां होता है लोकसभा, है ना, अपने यहां का लोकसभा वहां के क्या है, हाउस ऑफ कॉमन्स है, ठीक है, ये लोकप्रिय सदन है। इसमें चुनाव जीत के जाने वाले प्रथम जो भारतीय हैं वो कौन है, दादा भाई नौरोजी हैं, ठीक है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जीत कर जाने वाले प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी हैं। ये 1892 ईस्वी में चुनाव जीत करके गए थे, और चुनाव जीत करके गए थे, और आपको याद होगा कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में एक प्रस्ताव यह था कि सिविल सेवा की परीक्षा, है ना, ICS की परीक्षा जो है वो इंग्लैंड में सिर्फ हो रही थी, तो आवाज उठाया गया था कि भारत में भी होना चाहिए, तो इसके लिए इन्होंने इंग्लैंड के संसद में जो है आवाज उठाया था इसको लेकर के, और आंदोलन कर दिए थे इंग्लैंड के संसद में, समझे, आंदोलन कर दिए थे और करवा लिए कि भारत में करवाना ही आपको पड़ेगा, क्योंकि उस समय बहुत विपरीत परिस्थिति हो जाती थी भारतीयों के लिए, ठीक है, तो उन्होंने इसको पास भी करवा लिया, ठीक है, कब, 1893 में, समझिए 92 में बने हैं, 93 में एकदम क्राम क्राम पास करवा दिए, है ना। उसके बाद और सबसे इनके खासियत समझिए कि थे तो ये इंडिया के, लेकिन ब्रिटिश संसद में ये अपनी बात इस तरह से प्रस्तुत करते थे जैसे लगता था कि बहुत दिन से वो संसद में हैं, समझे, और वहां के जो लोग थे हाउस ऑफ कॉमन्स के जो लोग थे वो लोग बहुत मतलब ध्यान पूर्वक जो है उनकी बातों को सुनते थे, समझे, ये बहुत गंभीर मुद्दा उठाते थे, लोगों को समझाते थे, अधिकारियों को, जैसे दरिद्रता पे, गरीबी पे, भुखमरी पे, है ना, शराब पे, ठीक है, अफीम पे, और अधिकारियों को कहते हैं कि आप ये सबको अगर बढ़ावा दे रहे हैं तो याद रखिए एक दिन आपको भारत से बुढ़िया बिस्तर समीट के आ जाना पड़ेगा, ठीक है, इन चीज से गरीबी बढ़ रही है, दरिद्रता बढ़ रही है, और आप इन चीज को क्या कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, समझे, तो आपको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा, नहीं तो अभी से आप सचेत हो जाएं। वे ब्रिटिश अधिकारियों को चेताते रहते थे, ठीक है, और समझ जाइए ऐसे व्यक्ति थे, है ना। और भारत में जो दरिद्रता थी, निर्धनता थी, इस निर्धनता को लेकर के बहुत लोग दुखी थे, आंसू बहुत लोग बहा रहे थे, लेकिन आवाज उठाने वाला कोई शख्स था पहला, तो वो शख्स था दादा भाई नौरोजी, समझे, ये दादा भाई नौरोजी ऐसा पहला शख्स है जिन्होंने दरिद्रता के बारे में सवाल उठाया, आंदोलन किया, ठीक है, ऐसे व्यक्ति हैं दादा भाई नौरोजी। आप ये सब कहीं पढ़े नहीं होंगे, है ना, और अगर एग्जाम में पूछ दे तो फिर तारा गिनने लगिएगा आकाश में, है ना, एग्जाम हॉल में होता है बनेरी, ठीक है, वो गिनने लगिएगा, तो ध्यान से पढ़िए। हम कहते हैं कि एग्जाम में आप जो भी टॉपिक हम पढ़ाते हैं, ठीक है, उस टॉपिक को पढ़ने के बाद उसका प्रश्न कीजिए, क्वेश्चन आंसर कीजिए, अगर नहीं बनता है, ठीक है, तब हमको कहिएगा, एक भी प्रश्न अगर छूटेगा तो, ठीक है, कोई प्रश्न नहीं छूटेगा, लेकिन आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, समझे, आप जिस एग्जाम में बैठिएगा उस एग्जाम में अगर इस टॉपिक से प्रश्न पूछा है तो आपका प्रश्न जरूर बनेगा, लेकिन उसके लिए आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, पूरे वीडियो को वॉच करना होगा।
उसके बाद इन्होंने समाज सुधार के क्षेत्र में भी काम किया, धार्मिक सुधार के क्षेत्र में भी काम किया, ठीक है, बहुत सारे संस्थाओं से जुड़े। इन्होंने एक संस्था की स्थापना किया, रहनुमाई माजद्यान सभा। पूछता है सवाल कि रहनुमाई माजद्यान सभा की स्थापना किसने किया, तो दादा भाई नौरोजी ने किया। कौन किया? दादा भाई नौरोजी ने किया। कौन किया? दादा भाई नौरोजी ने किया, ठीक है। किसकी स्थापना? रहनुमाई माजद्यान सभा की स्थापना, ठीक है। इन्होंने पत्रिका भी निकाला, रस्त गोप्तार नाम की पत्रिका। पूछता है कि रस्त गोप्तार पत्रिका किसने निकाला, क्या कहिएगा? दादा भाई नौरोजी, ठीक है। और आप लोगों के लिए प्रश्न भी है कि रस्त गोप्तार पत्रिका किसने निकाला, ठीक है, जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और दादा भाई नौरोजी ये रस्त गोप्तार पत्रिका के संचालक भी थे, संपादक भी थे, है ना, और संस्थापक भी थे। और इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक दादा भाई नौरोजी ने लिखा था, ठीक है। उस पुस्तक में इन्होंने सबसे पहले जो है राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय के बारे में बताया था, और भारत के दरिद्रता के बारे में बताया था कि भारत किस तरह से गरीब हो रहा है ना। तो राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना करने वाला सबसे पहला व्यक्ति अगर कोई है, वो है दादा भाई नौरोजी, ठीक है। 1868 में पहली बार इन्होंने राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना किया था। अब उस समय इन्होंने बताया था कि जो पर कैपिटा इनकम है, यानी कि प्रति व्यक्ति आय है ना, ये प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया था, मतलब एक आदमी पर 20 रुपया पड़ता था एक साल में, समझ जाइए। अब एक आदमी एक साल में कमाता था 20 रुपया, समझे, और साल में कमाता था कितना, सॉरी नेशनल इनकम जो था इसका, है ना, नेशनल इनकम जो था वो कितना था, 320 रुपया था। कितना था? 320 रुपया, ठीक है। इन्होंने इस पुस्तक में दिया था धन के अपवहन का सिद्धांत। क्या दिया था? धन के अपवहन का सिद्धांत, ठीक है। ड्रेन ऑफ वेल्थ, है ना, क्या दिया था? ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत दिया था, ठीक है। किसमें? इसी पुस्तक में इन्होंने बताया था कि धन के बहिर्गमन का सिद्धांत, अपवहन का सिद्धांत, कि भारत से जो धन है वो अंग्रेज किस तरह से चूस चूस के, खींच खींच करके ले जा रहे हैं, है ना। भारत में बंसी डालते थे और मछली पकड़ पकड़ के ले जाते थे, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि भारतीय लोगों के साथ बहुत ज्यादा जो है सो वे जोर जुल्म करते थे, है ना, उनको पुल्हा करके, और यहां से धन का जो है वो बहिर्गमन कर लेते थे, यहां से ले जाते थे, और भारत क्या हो जा रहा था, गरीब होते जा रहा था, ठीक है। यहीं के पैसा से ब्रिटेन जो है अमीर हो रहा था और भारत गरीब हो रहा था। किसके कारण? अंग्रेजों की जो ब्रिटिश रूल थी, तो वो ब्रिटिश रूल नहीं, ब्रिटिश रूल ब्रिटेन में चलता था, यहां क्या चलता था? अन ब्रिटिश रूल चलता था। क्या चलता था? अन ब्रिटिश रूल चलता था, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए, और ये दादा भाई नौरोजी जो है कांग्रेस की अध्यक्षता 3 बार किए हैं। कितनी बार किए हैं? 3 बार किए हैं, ठीक है, एक बार दो बार नहीं, कितनी बार? 3 बार किए हैं। कब कब? सबसे पहला तो 1886 में, है ना, दूसरा 1893 में, और तीसरा 1906 में। तीसरा कब किए हैं? 1906 में किए हैं, ठीक है। तो 1906 के जो कलकत्ता अधिवेशन था, इस अधिवेशन में इन्होंने अपने भाषण दिया था, ठीक है। उस भाषण में इन्होंने सबसे ज्यादा स्वराज शब्द पर बल दिया था। किस पर बल दिया था? स्वराज शब्द पर बल दिया था, ठीक है। और इन्हें जो है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है इनको, है ना। ये दादा भी थे और भाई भी थे, मतलब दोनों जनरेशन के आदमी थे,
ठीक है, दादा लोगों के साथ भी इनका जमता था और भाई लोगों के साथ भी इनका जमता था, है ना। तो ये क्या थे, दादा भाई नरोजी थे, ठीक है। और कांग्रेस के दूसरी अधिवेशन की हम लोग बात करते हैं तो कांग्रेस के दूसरा अधिवेशन के अध्यक्ष जो थे कौन थे, दादा भाई नरोजी थे। ये अधिवेशन हुआ था कहां, कलकत्ता में हुआ था। कब हुआ था, 1886 में। पहला अधिवेशन कब हुआ था, 1885 में। कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, 1885 में, 28 दिसंबर 1885 में, है ना। तो ये दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, ठीक है। और इस कलकत्ता में समझिए पहला अधिवेशन में कितना सदस्य भाग लिया था, 72 सदस्य, है ना। और दूसरा अधिवेशन में 434 सदस्य भाग लिया, कितना लिया, 434 सदस्य भाग लिया, ध्यान से याद रखिएगा, ठीक है। और जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट करके बताइएगा कि दूसरा अधिवेशन में कितना सदस्य भाग लिया, ठीक है। और इसमें जो है क्या हुआ था समझिए, अब जब दूसरा अधिवेशन होना था कलकत्ता में, ठीक है, तो ह्यूम, एलन ऑक्टोवियन ह्यूम, जिसको आप अच्छे से जानते हैं, है ना, हमने बताया है, तो वो एलन ऑक्टोवियन ह्यूम जो है कलकत्ता में अधिवेशन होने से पहले, क्योंकि तय तो था कि कलकत्ता में होगा, तो वो मिले जाकर के सुरेंद्र नाथ बनर्जी से। किसे मिले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी से मिले, एसएन बनर्जी से। और एसएन बनर्जी की एक संस्था चल रही थी, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी पहले कांग्रेस के अधिवेशन में भाग नहीं लिए थे, क्योंकि उसी समय इनका मीटिंग चल रहा था इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का, तो इसलिए वो नहीं आ पाए थे पहला अधिवेशन में। तो ये पूछता है कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो कि कांग्रेस के पहले अधिवेशन में भाग नहीं लिए थे, है ना। तो कमेंट करके आप बताइएगा कि कौन व्यक्ति है जो भाग नहीं लिए थे, ठीक है। तो उनके पास पहुंचे एओ ह्यूम और कहे, क्योंकि ह्यूम को लगा कि अगर बुद्धिजीवियों को अगर आकर्षित करना है, कांग्रेस की तरफ अगर खींचना है, तो एसएन बनर्जी के बगैर जो है ये नहीं हो पाएगा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी को इसमें शामिल करना होगा, तभी जाकर के जो है ये संभव हो पाएगा। तो उन्होंने मिला सुरेंद्रनाथ बनर्जी से और मिल करके जो है उनको अपनी संस्था का विलय INC में करने को कहा, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस में करने को कहा, है ना। तो ह्यूम का बात मान करके सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने अपना इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का विलय जो है वो कर दिए कहां, इंडियन नेशनल कांग्रेस में। कब किए, 1886 में किए, ठीक है, यानी कि कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में किए, ठीक है। उसके बाद इसी अधिवेशन में निर्णय लिया गया कि कांग्रेस की जो है एक स्टैंडिंग कमेटी बनेगी, क्या बनेगी, स्टैंडिंग कमेटी बनेगी, और हमारी जो बातें हैं वो जन जन तक पहुंचाई जाएगी, है ना। उसके बाद जब ये पार्टी हो गए, अधिवेशन हो गया, तो डफरिन बहुत खुश था, समझे, डफरिन जो था वो खुश था सुरेंद्रनाथ बनर्जी वगैरह के आ जाने से कांग्रेस में। तो डफरिन ने एक पार्टी दिया, जितने भी लोग अधिवेशन में शामिल थे उन सबको पार्टी पर आमंत्रित किया कि आइए आज हम पार्टी देंगे। पार्टी का क्या नाम था, गार्डन पार्टी, क्या नाम था, गार्डन पार्टी, समझे। उस गार्डन पार्टी में डफरिन अपने हैसियत से, जितना वो कमाया अपना कमाता था अपने उकास से, मतलब उसमें चंदा वंदा का पैसा नहीं था, अपने हैसियत से उसने जो है पार्टी दिया, समझे, लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन कौन थे, उस समय के तत्कालीन वायसराय थे, समझे। और दादा भाई नरोजी जब 1906 के जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसमें जब भाग लिए थे, तो सबसे ज्यादा सब जोर किस शब्द पे दिए थे, कमेंट करके बताइएगा, है ना। और ये स्वराज शब्द की बात करते करते उन्होंने कहा था कि जब उन्होंने भाषण दिया था तो अपने भाषण में उन्होंने कहा था कि हम कोई कृपा या याचना आपसे हम नहीं कर रहे हैं, हम जो हैं कोई कृपा या याचना आपसे नहीं कर रहे हैं, हम क्या हैं कि केवल हमको जो है न्याय चाहिए, हमको क्या चाहिए, न्याय चाहिए। आपने भारत की स्थिति ऐसी बना दी है कि हम विद्रोही बनने के लिए भी आतुर हैं, हम विद्रोही भी हो सकते हैं, लेकिन ये हमारा धैर्य है कि हम विद्रोही नहीं बन रहे हैं, ठीक है।
हम क्योंकि हमने बार बार असफलताएं देखी है, हमने बार बार असफलताएं देखी है और हमने इतनी असफलताएं झेली है कि मैं कभी निराश नहीं होता। और कभी कभी जो है इन इतनी बड़ी असफलताएं हमको निराश कर देता है। ऐसे मैं निराश होता नहीं हूं, लेकिन मुझे क्या कर देती है, इतनी बड़ी बड़ी असफलताएं आपने जो दी है, हमने जो डिमांड किया आपने एक भी पूरा नहीं किया, इसलिए हम क्या हो चुके हैं, निराश भी हो चुके हैं। मैं हताश अभी हुआ नहीं हूं, मैं हताश अभी हुआ नहीं हूं। हमें विश्वास है कि थोड़े ही समय में हम जो है अपना स्वराज प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से ओजस्वी पूर्ण भाषण दिए थे इन्होंने 1906 के अधिवेशन में। ठीक है, और समझ जाइए कि ये व्यक्ति कैसे थे। ठीक है, तो इनका जो अब मृत्यु हो गया कब, 20 अगस्त 1917 को, जब इनकी बात पूर्ण होने वाली थी, अधिकांश बातें जब इनकी पूर्ण होने वाली थी, सपना साकार होने वाला था इनका, उससे लगभग 2 महीना पहले इनका 20 अगस्त 1917 को जो है सो देहांत हो गया। ये थे कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन। और दादा भाई नौरोजी हमारे ऐसे थे, अगर दादा भाई नौरोजी के बारे में अगर बात किया जाए, ठीक है, तो समय कम पड़ जाएगा, है ना, इसलिए हम लोग जो एग्जाम के लिए जरूरी पॉइंट है उन बिंदुओं पर ध्यान दिए हैं, है ना। तो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।